वैसे तो देखिए, राजनीति पूरी दुनिया के हर कोने में की जाती है, लेकिन जब यहाँ हमारे देश की बात हो तो उसके लिए गंगा पार करना ही पड़ता है, यू नो। तो गंगा पार की जो राजनीति है वो अलग लेवल की है, और उसके अपने लेयर्स होते हैं, अपनी स्टोरी होती है, अपना क्या कहते हैं उसे, अंदाज अंदाज होता है। होता है जी। तो उसी अंदाज के साथ सीज़न 2 महारानी का लेकर आया है सोने ने। साथ बैठी हूँ मैं महारानी के, और ये जो अब रक्षक है कि भक्षक पता नहीं, लेकिन भक्षक है, भक्षक में भक्षक, ये भक्षक है, मैं तो रक्षक था, मतलब मैं तो बहुत इन्होंने लात मार दी, मैं तो सब कुछ सही तो कर रहा था। नहीं, यहाँ ये जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन शो पर क्या कर रहे हैं वो पता लगाते हैं। सो खा रहे हैं दोनों, या खा रहे हैं, जितने भोले ऐसे हैं ना शो में, एकदम खतरनाक, इससे ज्यादा कोई खूंखार सबसे खतरनाक। तो आप ये देख लो, मैं बताऊँ, इस सीरीज में अगर कोई सबसे रोमांटिक है तो यही बेचारा है। अरे रोमांस की तो कहानी पूछो मत, आई टेल यू व्हाई, क्योंकि बताई दे आज दुनियादारी पर, रिश्तों पर सिर्फ उन्होंने भरोसा दिखाया है कि हाँ भाई भी है मेरी, मैं जेल जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे पीछे बैठाऊंगा, आऊंगा, दे देगी मुझे कुर्सी वापस। इतना बोला नहीं, बीवी ने बोला और जेल चला गया, उस पर कोई ऑप्शन नहीं था तो जाना पड़ा। नहीं, लेकिन भरोसे के साथ गया ना कि महारानी वापस दे देगी। लड़ो लड़ो और लड़ो और लड़ो। किसने बोला आपको, ये कौन सा शो देख रहे हो, ये आपका अलग ही रोमांस चल रहा है यहाँ पर। बीमा गया था भरोसे के साथ की रानी वापस क्यों भाई, ऐसा हमने बोला कभी? राइट राइट सारे रिव्यूअर्स को, सारे सोशल मीडिया पे लोगों को, कि सीजन 2 जब शुरू होगा तो उसके 10 मिनट में एक धमाका होगा, बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका होगा। धमाका मतलब कोई बम नहीं, बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा। तो प्लीज आप सोशल मीडिया पे अपने रिव्यूज के थ्रू व्हाटएवर व्हाटएवर उसको बाकी लोगों पे जाहिर मत कीजिएगा। हाँ, और okay. उसके बाद मैं इतनी आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप बिंज वॉच करेंगे शो। मतलब 10 मिनट में धमाका, और इनके 17 साल से इनका वनवास ही नहीं खत्म हो रहा है, इसमें खत्म हुआ बताइए वनवास ऐसा है कितना बता सकते हैं, मैं तो सोच रहा कि कितना बता सकते हैं। ये चाहे मेरे पॉलिटिकल एडवर्सरी क्यों ना हो, बट आप इनकी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते यार। वनवास का तो देखिए ऐसा है, डैश डैश डैश, मैं तो दिखा दो सीजन 2 में, दिखा दो सबको कि क्या बकवास है। मैं तो दिखा ही चुका हूँ, इनको दिखेगा अभी 25 अगस्त को। अच्छा, वैसे ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आई एम श्योर हर कैरेक्टर के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, लेकिन क्या ऐसे जो जिससे कनेक्ट है भी और नहीं भी, अलग होते हैं ये कैरेक्टर्स, इसके लिए क्या तैयारी थी खास? इन्होंने रोमांटिक फिल्में देखी बहुत सारी, मतलब मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जेल का खाना वो तो सीन ही क्या निकाल दिया उन्होंने, मतलब जेल का खाना क्या खाया कि मेरा फर्स्ट सीजन में मेरा और हुमा का एक सीन था। हाँ, और मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, मतलब मुझे एक हमेशा हेजिटेशन रहती है कि बात नहीं कर पाते, और मतलब मैं हुमा से पहले सीजन में बात भी नहीं कर पाता था। मैं क्या करता था, मैं साइड में कोने में चला जाता, अपना सीन ऐसे लग रहा है कि ये आदमी इंटेंस एक्टर है, कुछ कुछ तैयार। अरे वो तो मानते थे, तो मैं बात ही नहीं करता था, मैं बहुत शाय और बहुत सोशली ऑकवर्ड आदमी हूँ। तो मतलब मैं हुमा को देखता तो, या मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं ऐसा लगता कि इंटेंस एक्टर कोई तैयारी कर रहा है, अपने ब्रेथ व्रेथ पे है। तो मेरा वो डिफेंस मैकेनिज्म था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे हुमा से दोस्ती हुई, जिसका क्रेडिट हुमा को जाता है कि हुमा मतलब बहुत कूल है, बहुत फन है, बहुत वेलकमिंग है, बहुत फ्रेंडली है, मतलब उसकी एनर्जी वेरी वार्म एंड वेरी फ्रेंडली, कि मतलब एनर्जी जब ये होती है तो सेट पे कुछ और ही होती है। तो ये सब चल रहा था और मेरा सीन था इसके साथ, मतलब बाकी सब सीन ठीक हो रहे हैं, हुमा के साथ एक सीन था और वो मतलब थोड़ा सा वो मतलब वो और मतलब वो रोमांटिक सीन भी नहीं था, मतलब भीमा की औकात का रोमांटिक सीन था। भीमा की औकात में जितना रोमांस हो सकता है, भीमा की औकात का रोमांटिक सीन था और हम कर रहे थे और वो हुआ नहीं। मतलब उससे पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। सीन कुछ नहीं था बेसिकली, वो पास्ट तू तो मोंटाज की बात कर रही है, नहीं मोंटाज की बात, मैं पहले सीन की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं तो वही उसको वहीदा रहमान वाली बात करते हैं। तो वो सीन मुझसे हुआ नहीं ठीक से, मतलब उस दिन एक दिन बारिश कुछ आ गई तो मुझे लगा आज बच गए, पर अगले दिन तो बारिश भी नहीं थी, तो सीन करना पड़ेगा। सर को समझ में नहीं आ रहा कि सोहम कर क्या रहा है, तो बाद में इनको समझ में आया कि बेटा तू स्मॉल टाउन से है ना, गर्लफ्रेंड नहीं रही ना। मैंने कहा नहीं सर, कहाँ ये प्रॉब्लम है बेटा, इधर हाथ टाइट है रोमांस में। मैंने कहा जी बहुत ख़राब बात है। उसके बाद अभी स्टोरी सुनाई, उसके बाद एक मोन्टाज, और मैं विश करूं कि सुभाष सर निकल जाएं सेट से, मतलब शाम का टाइम था, निकल गए, और वो सुभाष सर तो निकल गए, और इसको समझ में आ गया गेम,
और इसने मोमेंट कुछ नहीं था, वो पास्ट में होता है हमारी जब शादी होती है व्हाटएवर, तो ऐसे घूंघट उठा के भीमा को बोलने होते हैं, अरे हमको नहीं पता था कि बिहार में भी बहिदर रहमान है, भाई साहब के जो हाथ कांप रहे हैं, मतलब आपको वो जो ट्रॉमा होता है ना कि ट्रॉमा, आई हैव हेल्ड दिस एंड थिंक तू ठीक से कर, ऐसे तो और डर जाएगा आदमी यार, तो रोमांस सिखा रहा है मतलब मेरा तो लड़का ही तो हाँ इसने पूछा मुझसे, मतलब मैंने और बड़ी मर मर के मतलब वो सीन राम राम करके मैंने किया, और मतलब सेट पे एक बात सेट थी, मतलब सुभाष सर कहते थे इनसे ये इससे सोम से करवा लो कि हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे राजनीति छीन लेंगे कपड़े फाड़ देंगे, ये सब काम तो बहुत अच्छे से करता है, जहाँ लड़की की आंखों में आंख देखे कुछ बात करनी है वहां तेरे हाथ पैर से काम ले लेते हैं, और इतना खराब किया सॉरी टू से कि वो सीन निकाल दिया सीजन 1 से, बट पागल, मतलब इसका अलग ही ट्रिप चल रहा है कि ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ मुझसे हो नहीं रहा, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं कॉन्शियस हो रहा हूँ, पर आपको मैंने मतलब करेक्ट किया है, सेकंड सीजन में मतलब मेरी शुभा सर से शर्त लगी हुई है, मैंने कहा आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत अच्छे, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फैन हूं, अगर मैं रोमांस नहीं कर पाऊंगा तो मतलब लाना, मैंने देखा तेरा एक सीन सेकंड सीजन में तो बेसिकली भीमा नवीन का रोमांस जो चल रहा था देखा, बहुत सही चल रहा था, इन दोनों का तो मैंने हमारा तो मतलब कितने हमारा तो ब्रो रोमांस कल का ही है, कभी बनवा लो, हम लोग घाट पाट पे हाथ पकड़ के हाथों में याद लेके चलते हैं तो पर आप देखना और आप मुझे बताना कि मैंने क्रैक किया या नहीं किया, मतलब रोमांटिक देख कर पाता हूँ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मैं सुभाष से शर्त जीत जाऊंगा, बिल्कुल आप एक दिन मुझे टेक्स्ट करोगे आई वाज रॉन्ग यू हैव प्रूव्ड इट, ठीक है आप बताइए आपका कोई सीन ऐसा जिसमें पसीने छूटे या अच्छा लगा, ऐसा लगा बढ़िया, लोगों के पसीने छूटते हैं जैसे कि अरे ये हां ये बढ़िया मजा आया करने में, आपने देखा ना सीजन 1 Come on! What are you talking about? Oh, what? But I'm telling you, he's one of the most underrated actors that we have in this country. Criminally underrated. Criminally. आज ही पढ़ा मैंने कहीं तो किसने लिखा था मेरे बारे में, ये पकड़ लूँगा मैं भाई. But एक हमारा सीन था सीजन 1 में जिसमें मतलब बहुत he had to do like some 5 pages of dialogue और वो मेरा favorite सीन था क्योंकि मुझे कुछ नहीं बोलना था. मुझे लग रहा था कि बस ये कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, and it was the first scene together. हाँ, और मैंने बोला कि इसको काट काट के नहीं कर सकते, मतलब एक साथ ही करना पड़ेगा, नहीं बेटा वो तो करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, वो एक ही बार में हो गया यार, मतलब समझ में नहीं आया मुझे. मैं आपको एक्चुअली ऑनेस्टली बताता हूँ, हर टेक से पहले मेरी ही नहीं हम सबकी हालत खराब रहती थी, क्योंकि वहाँ पे एक भाई साहब थे सुभाष कपूर, उनका नाम सुभाष कपूर जी है, और मतलब वो क्या ना वो आके जब समझाते थे ना तो उनको देख के ऐसा लगता था मुझे कि आप ही क्यों नहीं कर लेते, करके भी दिखाते हैं वो, करके भी दिखाते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो. और क्यों उनको यार सब कुछ तो कर लेते हो ना, सब कुछ कर लेते हैं, भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, डायरेक्ट भी, और ही हैज सच अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज व्हिच इज व्हिच ऑब्वियसली हम लोग के पास वी हैव एक्सेस टू इट, बट द कंबे एंड आल्सो ही लिव्ड ईच एंड एवरी कैरेक्टर. So his insight to Rani, to Bhima, to Naveen, to Kalanag, to Kanni, to each and every character is so deep ki hum usse compete hi nahi kar sakte. And he is very good with all sorts of dialects. Yeah. Matlab wo 4-5 bhashaye bol lete hain. Main unko launch karna chahungi aapke channel ke madhyam se. Nahi nahi, mera decide ho chuka hai. Mere tu hamesha beech mein rakha. Kyun meri, main sign kar chuka hu unko. Mere sath debut karenge wo. Ye final ho chuka hai. Wo actor hai zabardast. I'm sure. Hum bhi to hain. Acha. Are baat kahin aur ja rahi hai. Nakli ye पार्टी कहीं और जा रही है. अच्छा ये बताइए हुमा, आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ तो कनेक्शन है बिहार से? हाँ, पिछले जन्म का. एक सेकंड में बीच में लूंगा आपका इसके बीच में. मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसके हुमा के डायलॉग्स थे ना, मतलब 4-5 पेजेस के विधानसभा की स्पीच, मतलब कोई भी एक्टर याद करे
तो उसकी जान निकल जाए। और वो डायलॉग डिलीवर करना, बिहारी एक्सेंट पकड़ना, और मुझे एज एन ऑडियंस लगता है कि सिर्फ उसमें बिहारी नहीं है, बिहारी बहुत सारे कैरेक्टर्स बोलते हैं, इसने कुछ क्रैक किया कि उसके अंदर एक लय है, मतलब वो बोलती है तो उसमें भी कुछ एक कैरेक्टर है, वो इसने पता नहीं कैसे किया है, और पाँच पाँच सात सात पेजेस और मतलब मैं देखा है इसको विधानसभा में, मतलब हम साथ में शूट कर रहे हैं, जैसे मेरे फर्स्ट में उतने डायलॉग नहीं है, इसके तो भर भर के पेजेस थे, अंदर बाहर जा रही है, याद कर रही है, फिर डिलीवर कर रही है, फिर कहीं रुक जाती है, फिर करती है, बहुत मतलब कैसे इसने पुल ऑफ किया है। और सब भाषण वाषण चल रहा है, और जैसे अगर कुछ भूल गए, छोड़ती नहीं थी, लेकिन छोड़ती नहीं थी तो बहुत डिफिकल्ट था यार। क्या होता है कुछ कुछ शब्द जो होते हैं ना, वो बड़े आप अटक जाते हो एज एन एक्टर, याद तो होता है बट अब वो शब्द क्या था, एंड मोर देन द शब्द द वे रानी वुड से इट, वो द पर्टिकुलर वे था, तो आप अटक जाते। तो मैंने ना एक्चुअली मेरे स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ फोनेटिक साउंड्स किए हुए थे, जैसे श नहीं बोलती है वो, स बोलती है, तो अब वो अब मेरा नेचुरल रिएक्शन श बोलने का आ रहा है, शपथ बट शपथ है, तो मैं स लिख लेती थी, तो मेरे को मैंने कहा वो क्या था, क्या था, क्या था, क्या था मैंने देखा मतलब वो उर्दू की साफ जुबान से आपको वो रा का रा करना है, मतलब शा का सा करना है, पिटाई लग रही है कि बेटा नुक्ता लगाओ और खालिस तरीके से उर्दू बोलो, वो सब भूल के कुछ नया करना है, बट एक अब ये हो सकता है मेरी पूरी गलत फहमी हो, पर मुझे लगता है कि जब भी बिहारी कैरेक्टर्स की बात आती है ना, तो कुछ तो मनगढ़ंत भी है, या तो बनाया गया है या लोगों तक पहुंचाया गया है कि ऐसे होते हैं बिहारी कैरेक्टर्स, जो अब मैं बिहार से हूँ तो मैं जानती हूँ कि ऐसे नहीं होते हैं बिहारी कैरेक्टर्स, हमारे जैसे तैयारी की बात कर रही हूँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये वर्ड बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ओवर द टॉप चले जाते हैं, सो उसका कितना ध्यान रखा गया सीजन वन और सीजन टू में? आई थिंक हम सभी कहीं ना कहीं कॉग्निजेंट थे कि कैरिकेचर नहीं करना, और उस तरह के हम लोग एक्टर्स कोई भी नहीं है, सब लोग जो है बहुत ही, आपने हमारा पुराना काम भी देखा है तो बहुत महीन काम सभी ने किया हुआ है, तो आई फील कोई भी किसी भी लैंग्वेज या एक्सेंट का मतलब रिडिक्यूल नहीं बनाना चाहिए। Correct. The idea was to try and be authentic, try and be real. I think we all our performances would have fallen apart. कि अगर हम लोग इधर से उधर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उसका क्रेडिट सुभाष सर को बहुत ज्यादा है, कि वो एक टीचर थे जिनके हाथ में छड़ी थी, जो सही करवा लेते थे सब, मतलब एक जैसा दिखे, मुझे लगता है उनकी बहुत मेहनत है, उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज जो आपने कही ना, कि ये नहीं करनी है, कि कैसे ओवर द टॉप पेश किया जाता है, ये नहीं करना है, इसको रियल रखना है, एंड टू हैव दैट आई, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अब बहुत सारे बिहारी लोग नेजल आवाज यूज करते हैं, बहुत छोटी टेक्निकल बात है कि अरे तो वो ना उनका दूर से था, और उनका एक किस्सा है कि उन्होंने ना फिल्में देखी कम है, सुनी ज्यादा है, मतलब वो जो ऑडियो पे फिल्में आती थी ना, जब एक टाइम पे शोले वगैरह, तो वो डायरेक्टर जो सुनते हैं पहले, उनको ये आपने आंखें क्या बोल रही है, एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, उस पर वो बाद में जाते हैं, सबसे बोलते हैं गला क्या बोल रहा है, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये था एज एन एक्टर की, मैंने अभी तो जिन डायरेक्टर के साथ काम किया वो शॉर्ट देखते, उनका सबसे पहले ध्यान सुनने पे होता है, कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, कि ऑडियो ज्यादा है, और अगर आप डायलॉग्स भी देखोगे जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं महारानी में, सीजन वन में भी, इसमें भी एक लय, एक्चुअली में लय है उसमें बात करने में, यू नो इट्स नॉट योर नॉर्मल एवरीडे काइंड ऑफ कोलोकियल लैंग्वेज, इट इज नॉट, so he made it sure that ki hum log wo lay follow kare, it's actually wo ballad type ka hai wo, you know, phrases mein baatein ho rahi hain, aise ye sab ho raha hai. Acha likhai ki agar baat kare to I'm very fascinated ki political likhai kahin na kahin isme real incidents jo chal raha hai bahar ya jo dekha jo hua uska bhi reference kahin na kahin aa hi jata hai, bahut zyada aap ise fictional nahi मतलब बना भी सकते हैं, बट अगर वो रिलेट ना करे ऑडियंस तो कहीं ना कहीं, मैं बस अपना अंदाजा लगा रही हूँ, यू नो, तो वो राइटर जो है ना वो ऑडियंस जो कहेंगे कि नहीं ऐसा सरप्राइज भी होता है कि अच्छा राजनीति में ना पत्ते खुले, वहीं कुछ ऐसा भी होता है जिससे ऑडियंस रिलेट करे कि हाँ राजनीति में तो ऐसा ही होता है, इसका बैलेंस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, यू नो
एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, क्या महसूस किया आपने? मुझे लगता है कमाल का बैलेंस किया हम लोगों ने, जो आपने बात कही उसी का बैलेंस किया कि आप फर्स्ट सीजन देखो तो लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, लोग कंपैरिजन भी कर रहे थे कि ये है ये है, पर कहानी कहीं और ही चली जाती है। तो मतलब डेफिनेटली कोई राइटर कोई भी क्रिएटिव आदमी कुछ करता है तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा, हम सब राइटर्स भी हिंदुस्तान से ही हैं तो यहाँ रहे हैं, 50 साल की राजनीति जानते हैं, यहाँ जो हुआ है वो जानते हैं। तो पर वो कमाल किया उन लोगों ने कि एक्सपेक्ट आप रियलिज्म और बैकग्राउंड कुछ और कर रहे हो और कुछ और ही हो जाता है। मुझे लगता है महारानी फर्स्ट का वही कमाल है और सेकंड में भी उन्होंने वो अचीव किया है, बहुत अच्छे से अचीव किया है। मतलब मैंने तो जब सुना था दंग रह गया। और इतनी फास्ट करते हैं ये राइटिंग सुभाष सर, पता नहीं कैसे कर लेते हैं 3-4 महीने में। ये फैन हो गए सो मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं सीजन 3 में, तू यार रिलैक्स कर, रिलैक्स, तेरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट, चिंता मत कर। मैं फिल्म की बात कर रहा हूं तो सीजन की बात कर रही है। आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? सॉरी, गो अहेड। क्या करना चाहता था मैं तो ना भूल गया मैं क्या करना। हां एक्चुअली हां मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्क्रिप्ट राइटिंग में इट्स वेरी साइंटिफिक। या यू नो यू जस्ट कांट राइट एनीथिंग, यू नो इट इज वेरी साइंटिफिक। एंड आई थिंक सुभाष भाई एंड द अदर राइटर्स, यू नो नंदन और उमा और यू नो दे आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद द पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड एंड दे आर वेरी साइंटिफिक राइटर्स, यू नो। तो वो मुझे हमेशा से लगता है कि आपको ना पता होना चाहिए कि ऑडियंस का इतने सीन को होल्ड करने में क्या कितना टेंशन स्पैन है, यहाँ से यहाँ कैसे जाएं, अब 10 मिनट के बाद कुछ और होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आई थिंक इट्स एन आर्ट, यू नो, यू हैव टू लर्न द आर्ट। And also what I think we all cracked together, Subhash sir, Nandan and Umar ji, is that ek jo political fiction hota hai, matlab see what you said na in the beginning of what your question was ki bahut sare instances hain aapko lagta hai ki haan aisa bhi hota hai waisa bhi hota hai, but usko leke usko spin karna and in a good clean family oriented format, you know, which is the other thing. I feel a lot of political shows or hard hitting shows na wo ek family audiences ko cater nahi karte hain, and I feel suddenly like my mother also like yaar pata nahi abhi kuch aisa scene aa jayega hum dekh nahi payenge family ke saath baith ke, ya jo shows aap banate ho for housewives or families wo itne regressive hote hain ki matlab you are not actually wo waise nahi dekhe jayenge. So I feel what we really cracked and which is what the success of Maharani is also, ki not just in the big cities, not just in an English speaking audience, aapne genuinely India ke heart tak aap pahunche ho, chote shehron mein aap pahunche ho, kasbon mein aap pahunche ho, wahan pe logon ne kuch logon ne platform diya hai, bahut logon ne hame pata chala piracy bhi ki hai, magar at least show pahuncha hai wahan tak, you know, characters pahunche hai wahan tak. And I feel that comes from the writing because you are like Rani also, all the characters. She's a traditional woman. वो हिंदू औरत है, वो पूजा पाठ में विश्वास है उसका, पति बच्चों से प्रेम करती है. But क्या ऐसा इंसान, you know, inspirational नहीं हो सकता? You know, एक feminist नहीं हो सकता? और ऐसी बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं हमारे देश में जिनको feminism का मतलब ही नहीं पता, but बहुत बड़ी feminist होती हैं. हाँ, बिल्कुल. अभी comparison की उन्होंने बात की, that's my last question. आपको ये पता था कि लोग इसका फर्स्ट सीजन का ट्रेलर देखकर या लोग देखकर या नाम सुनकर कहेंगे आपको कंपेयर करेंगे उनसे? राबड़ी देवी जी से तो ये तो बोला था लोगों ने, हमने तो बोला था कि राबड़ी जी की आप जीवनी बना रहे हैं, तो हमने बोला देखो भाई सिर्फ सिमिलैरिटी ये है कि ये बिहार है और एक हाउसवाइफ को मतलब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, दैट इज इट. उसके अलावा इट इज कम्प्लीटली अ वर्क ऑफ फिक्शन, देर इज नो सिमिलैरिटी. रानी भारती हैज गॉट नथिंग टू डू विद राबड़ी देवी जी एंड ही इज नॉट एंड ही इज नॉट फ्रॉम दैट रीजन एज वेल. सो आई फील इट्स कम्प्लीटली अ वर्क ऑफ, जो आई थिंक इज क्लियर नाउ. आई थिंक इट्स क्लियर, सीजन 1 में क्लियर हो गया था, इट वाज क्वाइट क्लियर. नहीं, सीजन 1 में क्लियर हो गया था, कुछ एपिसोड्स के बाद ही हो गया था. नाउ लास्ट, आपका फेवरेट बिहारी वर्ड? गाली नहीं होना चाहिए. अरे मैं अच्छा वो पहले भूल गया, देने वाला था मैं. फेवरेट बिहारी वर्ड मतलब द मोस्ट पॉपुलर तो बुड़बा की है. बुड़बा भक भक्त एक्सप्रेशन है. भक इज लाइक व्हाट इट्स अ वर्ड आल्सो. ठीक है, एक्सप्रेशन है ये सारे. ठीक है ना, समझ गया ना. अरे चलिए आप चुप बैठे. बहुत ही बढ़िया बढ़िया है
वो बढ़िया नहीं होता, कुछ बढ़िया है, कुछ कुछ उसमें बिहारी में कुछ अलग होता है मुझे लगता है। आप मेरा फेवरेट वाला है ए, ये कौन अच्छा अब बहुत किसी ने एक्सप्रेशन पर ए नंबर अभी भी नहीं दाई होते तो काफी सारे देते हैं ना, नहीं दाई होते तो मतलब भर देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मजा आया सीजन 1 में, आई होप सीजन 2 को देखते हुए भी बहुत मजा आएगा। अगस्त को देखिएगा हमारा आएगा सो महारानी और सो आएगा, देखिए शो नहीं सर नहीं देखिए सर नहीं सावन का महीना पवन करे सो। थैंक यू सो मच वाचिंग, थैंक यू 92